तो आज हम है तिरुमला में, आज रथसप्तमी का दिन और यहाँ पर आज मिनी ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है। इसमें शुरुआत उसकी होती है सूर्य वाहन से। तो चलिए सूर्य वाहन को आपको दिखाते हैं। रथसप्तमी जो होती है वो सूर्य भगवान की होती है, इसलिए देखिए सूर्य वाहन आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सूर्य वाहन आज का पहला वाहन है, ये सूर्य वाहन। सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं और ये वाहन का दर्शन करते हैं। ये वाहन का टाइम 5:30 का था। ये अभी रज देख सकते हैं, अभी हम ये जो वरा स्वामी मंदिर के पास खड़े हैं। देखिए यहाँ पर भीड़, अभी जस्ट परिक्रमा पूरी करके सूर्यवान ये वरा स्वामी से क्रॉस हुआ है। तो दोस्तों अभी दूसरे वाहन का टाइम हो गया है। दूसरा जो वाहन है वो चिन्नशेष वाहन है और उसके लिए देखिए ये वाहन आने से पहले इस तरह की झांकी डांडिया खेल रहे हैं स्वयंसेवक, देख सकते हैं आप।
घोड़े और बैल आगे चले हैं और अभी पीछे हाथी है। ये देखिए हाथी आ रहे हैं और इसके पीछे भगवान की जो वाहन है, वाहन पर बैठकर भगवान आएंगे अभी चिन्ह शेष वाहन पर। तो अभी देखिए वाहन का आगमन हो रहा है। गोविंदा 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 गोविंदा। शेष नाग पर विराजे हुए मलयप्पा स्वामी। तो ये झांकी अब गरुड़ वाहन के पहले की है जो कि तीसरा वाहन है, आज का थर्ड वाहन गरुड़ वाहन, और उसके पहले की ये झांकी है। सबसे मेन सेवा गरुड़ सेवा ही कहलाती है, ब्रह्मोत्सव हो चाहे रथसप्तमी हो। ये देखिए यहाँ पर सजीव देखावा बनाया है बालाजी और उनकी दोनों पत्नियाँ पद्मावती और लक्ष्मी जी के साथ। ये देखिए ग्रुप गरुड़ भगवान पर विराजकर मलयप्पा स्वामी के रूप में गोविंदा आ चुके हैं। बोलो गोविंदा गोविंदा। तो आज का जो चौथा वाहन है वो है हनुमंत वाहन, हनुमान जी का वाहन। तो आज शनिवार भी है, रथ सप्तमी भी है, हनुमान जी के वाहन पर अभी मलयप्पा स्वामी विराजमान होकर हमें दर्शन देने के लिए इस चार मुदा स्ट्रीट पर आने वाले हैं। तो चलिए उनके दर्शन लेंगे। उसके पहले जैसे मैंने आपको दो चार झांकियां बताई है, उसी प्रकार की झांकियां यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। इस पर ये वही बालाजी अपनी दोनों पत्नियों के साथ सामने देख सकते हैं आप। तो चलिए अब वाहन आने के बाद आपको दिखाता हूँ। अभी हनुमंत वाहन पर देखिए आरती हो रही है मलयप्पा स्वामी यानी बालाजी भगवान गोविंदा की। देखिए आरती गोविंदा गोविंदा। Thank you.
अब आज का पांचवा वाहन कल्पवृक्ष वाहन, भगवान आज अभी कल्पवृक्ष के वाहन में आएंगे, जो कि सभी मनोकामना पूरा करता है उसको कल्पवृक्ष कहते हैं। आइए चलिए, ये कल्पवृक्ष स्वर्ग में पाया जाता है इंद्र के पास। आइए अभी देखते हैं, देखिए सामने आ रहे हैं भगवान कल्पवृक्ष वाहन में। दोस्तों अभी हमारा छठा वाहन सर्वभूपाला वाहन है, उसके पहले की ये झांकी है। दोस्तों अब हम रथ सप्तमी उत्सव के एकदम आखिरी के वाहन पर आ गए, सातवां वाहन, आखिरी का वाहन। देखिए वही जो सुबह वाला अभी भी कायम है भक्तों में, आप देख सकते हैं सब अभी भी पूरे जमे हुए लोग यहाँ पर। ये जो सामने आप सेवे करी देख रहे हैं, ये खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर अपने को जगह पर ला के देते हैं, सुबह से बहुत बार दे दिया है। और अभी जो आखिरी का वाहन है वो चंद्र प्रभा वाहन है, सूर्य भगवान से चालू होकर अभी चंद्र भगवान का आखिरी का एक वाहन। उस वाहन पर मलयप्पा स्वामी मतलब वेंकटेश्वर भगवान हम सबको अभी दर्शन देंगे।
दोस्तों, इस तरह से आज का हमारा रथसप्तमी का तिरुमला का व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए गोविंदा गोविंदा। आपके जो विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में।